पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग जिलों से खबर आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मंदसौर में अभियान प्लान बनाने में 5 से 7 दिन का समय लगना है। ऐसे में मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी का खतरा कहीं न कहीं बना हुआ ही था। ऐसे में नारू भाई ने अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था का बीड़ा उठाया, वो भी ऐसे वक्त में जब बड़े शहरों में ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों के सिलेंडरों को भरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नारू खान ने मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की और मंदसौर मध्य प्रदेश से खाली ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर राजस्थान के छोटे सादरन से जुगाड़ जमा कर 120 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों में मंदसौर अस्पताल कैंप्स में ही ऑक्सीजन बनाने का प्लांट शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़ी दिक्कत ये थी कि जब तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो जाता तब तक खाली सिलेंडर को कहां से भरेंगे, क्योंकि जिन ऑक्सीजन प्लांटों से जिला अस्पताल को ऑक्सीजन मिलती है वहां भी अचानक काफी मांग बढ़ने की वजह से सप्लाई में देरी हो सकती थी। देखा कि थोड़ा ऑक्सीजन की कमी कुछ थोड़ी महसूस हो रही थी, तो उस हिसाब से मैंने देखा हॉस्पिटल में सिलेंडर खाली पड़े हैं और हमारे इंदौर वगैरह से जो भर के आ रहे थे वो भर के आ नहीं पाए थे। तो तहसीलदार साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब ने बात करी मुझसे कि हाँ नारू भैया सिलेंडर खाली है। फिर हम तहसीलदार साहब और हम दोनों गए यहाँ से और वहाँ से सिलेंडर भरवाया हमने, हमारे वसीम भाई करके हैं, उन्होंने बहुत रिजनेबल रेट पे हमें भर के दिए। और अरे टाइम वक्त तो लगा वहाँ पे भरवाने में हमको, लेकिन हमारी पूरी सुविधा करी उन्होंने और हमारे कलेक्टर साहब के आदेश से हमारे विधायक जी यशपाल जी, हमारे सांसद महोदय और हमारे सी ओम साहब, SGM साहब, ये सभी के इनके आशीर्वाद से ये सभी काम हो रहा है। और उनने भी अपने पूरा प्रयास जारी रख रखा है कि ताकि हमारे यहाँ सिलेंडर कम ना पड़े। और मैं भी यहाँ मंदसौर वासियों को जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सेवाएं देता ही रहूँगा। अभी 120 सिलेंडर आ चुके हैं, बाकी थोड़े सिलेंडर और दिए हैं अभी भरवाने के लिए वहाँ पे, तो वो कल तक या शाम तक आ जाएंगे। आज ही नहीं, व्यवस्था मंदसौर की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रुकेगी, आसपास की व्यवस्था को भी हम रुकने नहीं देंगे। जितनी कोशिश होगी उतनी कोशिश करेंगे, आगे और भी कोशिश मेरी जारी है, और भी 2-3 जगह बात चल रही है, हो सकता है तो हम ज़्यादा सिलेंडर लेके वहाँ से भी भरवा सकते हैं। 2-3 जगह बात चल रही है क्योंकि राजस्थान में भी सिलेंडर की कमी आ रही है, वहाँ पे भी भर रहे हैं, पहले उनका भर रहे हैं वो, उसके बाद हमको दे रही है सरकार। नहीं बिल्कुल नहीं रुकेगी हमारे, बिल्कुल नहीं रुकेगी यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल। इतने में हमारा एक प्लांट ऑक्सीजन प्लांट हमारे कलेक्टर साहब लगे हुए हैं या सांसद महोदय भी लगे हुए हैं उसको चालू कराने के लिए, ताकि ये भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, तो इससे हमें बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। और इससे राहत मिलेगी तो हमारे सिलेंडर यहाँ से फ्री हो जाएंगे, कुछ सिलेंडर यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो हमारे ज़िले में जो है आसपास के ज़िले में जो हॉस्पिटल हैं ये सिलेंडर वहाँ काम आ जाएंगे, तो वहाँ के भी लिए हम रुकने नहीं देंगे। वहाँ के लिए हम पूरी पर्याप्त व्यवस्था लेकर चलेंगे कि हमारे आसपास के जो ज़िले हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी हम भिजवाते रहेंगे। सिलेंडर की व्यवस्था नारू भाई के द्वारा की जा रही है, ये सराहनीय है। अभी 30 सिलेंडर सुबह इनके द्वारा दिए गए हैं, 20 सिलेंडर अभी आए हैं और 70 सिलेंडर और रिफिलिंग के लिए नारू भाई लेके गए हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी अल्प मात्रा में आ रही थी, सीलिंग हो रही थी, पर नारू भाई का सहयोग मिला, उससे फुर्ती हो गई पूरी। अब नहीं आना है ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन अपना ये एयर सफिशिएंट यूनिट का काम भी चालू हो चुका है। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।